बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सत्य प्रेम की कथा 29 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसने अपने शुरुआती दिन में लगभग 9 करोड़ का अच्छा कलेक्शन किया। ये फिल्म ईद उल अजहा की छुट्टी के मौके पर रिलीज हुई थी। हालांकि मेकर्स ने जितनी उम्मीद की थी उसके मुताबिक ये कमाई नहीं कर पाई। भूल भुलैया 2 और लव आजकल के बाद सत्य प्रेम की कथा अब कार्तिक आर्यन की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। इधर प्रभास और कृति सेनन की आदि पुरुष का कलेक्शन लगातार गिरते जा रहा है। विद्वांस द्वारा निर्देशित सत्य प्रेम की कथा में कियारा कार्तिक के अलावा सुप्रिया पाठक, गजराज राव, सिद्धार्थ रंदेरिया, अनुराधा पटेल, राजपाल यादव, निर्मित सावंत और शिखा तलसानिया मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ने पहले दिन जहां 9 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन 7.20 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 16.45 करोड़ हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लव स्टोरी वीकेंड पर रफ्तार पकड़ सकती है। बता दें कि सत्य प्रेम की कथा 60 करोड़ के बजट में बनी है। लगभग 2 सप्ताह तक सिनेमाघरों में ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद प्रभास और कृति सेनन की आदि पुरुष को कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सत्य प्रेम की कथा से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के कलेक्शन में हर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो आदि पुरुष ने हिंदी बाजार में 15वें दिन सिर्फ 1 करोड़ कमाए हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।